الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما خلقت هذا باطلا مولانا علی محمد صاحب اشرفی تشریف لائے ہیں استقبال کا نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام علماء ائمہ حاضران گرامی حاضرین گرامی ذی قدر اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائی اور یوں ہم آج بھی شب برات کے اس مبارک شب میں زندہ و موجود ہیں الحمدللہ سبحان اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گفتگو کا آغاز پڑھی گئی آیت کریمہ کی روشنی میں ہو لیکن پہلے ایک رسم تشکر ہے شکریہ کی رسم ہے جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام انتظام کیا ہے اللہ کریم انہیں مبارک کرے آمین 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 اور ان کے درجات میں اضافہ کرے آمین غیب کی قوتیں ان کی مدد فرمائے آمین اس طرح وہ ان پاکیزہ شبوں میں دین کی مجالس کا انعقاد کرتے رہے حاضرین یہ شب برات ہے آج کی رات شب برات ہے
छुटकारे की रात, शबे नजात है, शबे बरकात है, बेशक अल्लाह सुभानहू ताला ने, देखे एक चीज समझ के लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه। ये सारी कायनात अल्लाह का राज है, इसमें कितनी मखलूकात हैं अल्लाह को मालूम है, बंदों पर वो सब जाहिर नहीं की गई। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने अभी इंसानों की निगाह और दिमाग से दूर रखा। अल्लाह करीम उन सब का खालिक है, सबको पैदा करने वाला, सबको बनाने वाला है, और बनाने की गर्ज़ और गायत वही जानता है, उसे पता है उसने किस शय को क्यों पैदा किया। हम चाहें भी तो जान नहीं सकते, ये असरार इलाही कहलाते हैं, अल्लाह के राज जिन्हें अल्लाह जिस पर चाहता है जाहिर फरमाता है। तो होना ये चाहिए मखलूक होने के नाते, बंदा होने के नाते, हम अल्लाह की हम्द और सना करें, उसकी बड़ाई बुजुर्गी बयान करें, अपनी जबान से, बयान से, अमल से, फेल से, कुव्वत से, ताकत से अल्लाह ताला की अजमत की किबरियाई का बयान करें, उसकी रबूबियत कामिला, उसकी इज्जत और बुजुर्गी, और जिस कदर आप अल्लाह ताला की हम्द और सना करते हैं, अल्लाह तारी करीम की तारीफ और तौसीफ करते हैं अपने घरों में, अपनी महफिलों में, अपने अहबाब में, जहां भी आप होते हैं अल्लाह करीम की बड़ाई बुजुर्गी बयान करते हैं, तो सबसे ज्यादा राहत हुजूर को होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा राहत हुजूर को होती है। आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में खुश हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, फरिश्तगाने मुकर्रबीन हुजूर की बारगाह अजमत पनाह में हाजिर होकर पेश करते हैं, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों ने, आपके खादिमों ने, आपके नाम लेवाओं ने एक महफिल सजाई है, एक महफिल बनाई है जिसमें आपके रब का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल जहां आ रहा, रुखे मुनव्वर, क्या बात, रुखे जेबा, जो नय्यरे ताबा है, माहे दरख्शां है, बदरे कमी बदरे मुनीर है, चेहरे मुबारका पर एक खास रंग आता है, तबस्सुम लबों पे आता है। आला हजरत फरमाते हैं उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, हुजूर के लबहाए मुबारक को कहते हैं कि अल्लाह ताला उन पे लाखों सलाम उतारे, लबहाए मुस्तफा पर पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, गुले कुद्स कहते हैं, गुले कुद्स जन्नत का फूल जो होता है उसकी पत्ती कह रहे हैं, कि होंठ नहीं है, लब नहीं है, क्या बात, देखने वाले अगर आंख रख तो लब नहीं है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, सुभान अल्लाह, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां हैं आका के लबाए मुबारक।
ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इश्क बोलता था। तो लबाए मुबारक पर तबस्सुम आता, ये सुन करके कि मेरा नाम लेवा, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरे जिक्र करने वाला अपनी महफिलों में रब का जिक्र कर रहा, तो हुजूर खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर आए ही इसलिए थे कि सारी दुनिया को रब का तारुफ करा दें, सुभान अल्लाह, रब से आगाह कर दें, बंदों को अल्लाह से मिला दें। हुजूर तो आए ही इसलिए थे, तो अब उनके गुलाम जहां जिस जगह महफिल मजलिस सजा कर जमा कर उनके रब का जिक्र करते हैं, तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी जाती है। क्या बात है, वाह वाह। ये एक पहलू हुआ कि हुजूर को खबर दी जाती इस बात की कि या रसूल अल्लाह फला मकाम पर आपके दीवानों ने, आपके फरजानों ने, और मजे की बात सुनिए, जरा जी लगाइए और तवज्जो से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैहि। जी तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशाशत, हुजूर का खुश हो जाना एक उम्मती के लिए इससे बड़ी नियामत क्या होगी? बेशक बेशक कि उसके किसी काम से हुजूर तबस्सुम फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये एक पहलू हुआ। अब दूसरा पहलू लीजिए, जितनी आप अल्लाह की तारीफ करते हैं नबी खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कौन खुश होता है? आका नबी अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह की तारीफ होती है तो हुजूर खुश होते हैं, और जब हुजूर की तारीफ होती है तो अल्लाह खुश होता है। अल्लाह खुश होता है जब दुनिया बयान करती है, ओ नबी रहमत, ओ साहिबे खुल्क अजीम, ओ रहमत आलमियां, ओ पैगंबरे पैगंबरां, ए नबी नबियां, रसूल रसूला, जब तू बन के ऐसा है, तो बन के ऐसा है तो तेरे बनाने वाले की क्या शान हो, तेरे बनाने वाले की शान क्या और कैसी होगी। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तारीफ करो, अल्लाह खुश होता है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। ये कुरान हकीम में है कि रसूल खुदा अल्लाह के हबीब है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। तो हबीब मुकर्रम नबी मोहतशम की जब तारीफ व तौसीफ, रतबुल लिसान होता गुलाम अपने आका का जमाल बयान करता है, उनका रुखे जेबा बयान करता है, चश्मे मुबारक बयान करता है, गोशे अतहर का बयान करता है, बीनिये मुबारक का बयान करता है, पेशानिये अतहर का बयान करता है, चेहरे की गोलाई का बयान करता है, जुल्फे नास की चूमने का न बयान करता है, जुल्फे अतहर के फैलने का बयान करता है, और कहता वल्लैल, कसम है जुल्फे नास की कि रात की तरह सियाह। तो जब यह बयान करता है तो रब खुश होता है और अपनी महफिल में कहता, देखो मेरा बंदा किस तरह मेरे महबूब की शान बयान कर रहा है, वो मेरे महबूब की नहीं मेरी शान बयान कर रहा है कि मैंने कैसा शाहकार। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अजमत मुस्तफा, जलसे शबे बरात, हुजूर अमीरुल ज़ाकिरीन। तो हुजूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र करना, हुजूर पर दरूद भेजना, हुजूर का नाम लेना, हुजूर का तस्करा करना, हुजूर के जिक्र मुबारक से अपनी महफिल को मुनव्वर करना, मुअत्तर करना, ये अल्लाह ताला की रजा, खुशनुदी और अल्लाह की रजा के लिए बहुत मुबारक बा अमल है ये।
तो अहले सुन्नत के मुसलमान हर तरफ से फायदे में हैं। अल्लाह की हमद करें तो हुजूर खुश होते हैं। जो एक मुसलमान की आरजू है, क्यों जाता मक्का और मदीना, क्यों पैसे खर्च करता है, क्यों तकलीफें उठाता है, क्यों सफा मरवा पे दौड़ता है। जनाबे हाजरा दौड़ी थी उनके बेटे के लिए पानी चाहिए था, हमें क्या जरूरत है। कहा नहीं, जरूरत है मेरे महबूबों की हर अदा यही ईमान और इस्लाम। मेरे महबूबों की अदा इस्लाम और ईमान है जी। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह ताला की रजा, खुशनुदी और खुशी के लिए बहुत बेहतरीन सबब और वसीला है। जो सुन्नी मुसलमान करते हैं अपने वहां महफिल मीलाद करते हैं, शबे विलादत का बयान करते हैं, हुजूर आए रहमत का जिक्र करते हैं, जब बताते मेरे आका कब आए, कैसे आए, किस माहौल में आए, किस दुनिया में आए, तब दुनिया कैसी थी, हुजूर के आने से पहले, हुजूर के आने के बाद कैसी थी, जब ये तस्करा होता है तो दिलों में फूल खिलते हैं, दिलों में आतिश फिशां भड़कती है इश्क मोहब्बत की। तो ये जिक्र हर दोनों जानिब से अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी रखता है। अल्लाह का जिक्र इसलिए करो ताकि मुस्तफा खुश हो जाएं, और मुस्तफा का जिक्र इसलिए करो ताकि अल्लाह खुश हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ो, اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا صلى الله عليه وسلم। तारीफें तो सारी अल्लाह की, तारीफ और तौसीफ सब खुदाए बुजुर्ग बरतर की, वही लायक तारीफ है, लायक तौसीफ है, लायक सना है, लायक बंदगी है, लायक इबादत है, लायक सजदा है, वही मसजूद है, मकसूद है, मतलूब है, महबूब है, वही रब जुल जलाल, वही रब खुदावंद मुताल, उसी की तारीफ और तौसीफ हुजूर करीम के नजदीक असलल ईमान है। बेशक बेशक। और हुजूर की तारीफ आला हजरत ने दो मिसरों में बात कही है, और सच यह है कि समंदर को कूजे में रखा। बेशक। फरमाते हैं कि साबित हुआ कि सारे फराइज साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असलल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असलल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। आप कहेंगे कैसे ऐसा, ऐसे ही है। ईमान का खुलासा, ईमान का मतलब, ईमान का माना, ईमान का मफहूम, इस्लाम का माना, इस्लाम का मफहूम, दीन का माना, दीन का मफहूम, अदा अदा मुस्तफा की दीन करार पा गई, खड़े हों तो कयाम है, झुक जाएं तो रुकू है, माथा टेकें सजदा है, पढ़ ले तो किरात है, बैठे तो अत्तहियात है, तो अदाए अदाए मुस्तफा का नाम, रब ने फरमाया यही मेरी नमाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही मेरी बंदगी है, इसी तरीके से मुझे तुम्हारी इताअत और तुम्हारी गुलामी कबूल है। बेशक। तो जबाने थक जाए, कहां तक जिक्र यार करें, कहां से लाएं लफ्ज माना बयान। मैं तो कहता हूं ऐ अल्लाह जिंदगी में एक बार ही सही कोई ऐसा जुमला और लफ्ज अता कर दे जो तेरे महबूब की शान शायान हो जाए। यहां लोग कहते हैं हुजूर की बहुत तारीफ करते हैं ये लोग, खुदा बना दिया। खुदा बनाया नहीं जाता, खुदा बोलिए बनाया नहीं जाता, खुदा ही नहीं। ये किस जाहिल ने कहा खुदा बना दिया,
फिर खुदा कौन बनाता है? खुदा ही बनाता है जो कुछ बनाता है। खुदा बनाता है हमें, तुम्हें, सारी कुल कायनात को। हम में से किसकी ताब मजाल है जो यह कहे कि हम खुदा को माज अल्लाह बनाते हैं। अलहासिल कि हुजूर तो फरमाया ना असलल उसूल बंदगी, यानी सही मानों में हुजूर ही दीन है, हुजूर इस्लाम है, हुजूर ईमान है, हुजूर बंदगी है, हुजूर नबी हैं, नबियों के नबी हैं, पैगंबरों के पैगंबर हैं, रसूलों के रसूल हैं। शरीयत हुजूर की, इबादत हुजूर की, तिलावत हुजूर की, आदत हुजूर की, हुज्जत हुजूर की, यही ईमान है, इस्लाम है, ईमान है, यकीन है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अदाए मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, हुजूर से हटकर कुछ नहीं है। हुजूर नहीं थे, कुछ नहीं था, वो न थे तो कुछ न था, वो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो हुजूर का जिक्र जमील, हुजूर का जिक्र मुबारक किसी भी महफिल को अल्लाह की नजदीकी अता करता। बेशक और नबी कौनैन की बारगाह में अल्लाह की हम्द और सना जब उम्मती करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सजदे में सर रखते हैं, हुजूर को सबसे ज्यादा राहत पहुंचती है उस वक्त जब उनका गुलाम सजदे में सर रख के कहता है सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान अल्लाह। तो ये बात है कि यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। चूंकि हम अहले सुन्नत के लोग हैं तो हमारे वहां तरीका यह कि अल्लाह की हमदो सना करो, अल्लाह की हमदो सना करो ताकि हुजूर खुश हो जाए। हुजूर की खुशी के लिए ये कुर्सियां लगाई, ये महफिल सजाई, शामियाना रखा, रोशनी बनाई, आराइश की, इंतजामात किए। क्यों किए? ताकि हुजूर खुश हो जाए। मेरे गुलाम ये किसकी महफिल है? आका तेरे रब की महफिल है, तेरे रब की महफिल है, जिक्र इलाही की महफिल है। आका करीम फरमाते हैं जहां कुछ मुसलमान बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हो तो घूमने वाले फरिश्ते वहां पहुंच जाते हैं, और महफिल जब खत्म होती है तो वो बुलंद होते हैं, परवाज करते हैं। बारगाह अहदियत में हाजरी होती है, सवाल होता है कहां थे? वो कहते हैं तेरी मजलिस में थे, तेरी महफिल में थे। हमारी महफिल? हाँ, तेरी महफिल, तेरे बंदों ने सजाई थी। क्या कर रहे थे? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तेरे सिवा किसी का ना नाम था, ना कलाम था, ना पयाम था, ना पैगाम था, बस तू ही तू था। और वो थे कि तेरे इश्क में, तेरे धुन में दीवाना बनकर तेरा नाम जप रहे थे। ठीक है ना? तो अल्लाह करीम फरमाएगा क्या चाहते थे? कहा तेरी रजा, तेरी खुशी, मगफिरत, तेरी बख्शिश, तेरी जन्नत में जगह। तो फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, उस महफिल में शरीक हर शख्स की बख्शिश है, मगफिरत है, हुसूल जन्नत है। तो ये तो हमारे लिए सआदत की बात है। अल्लाह करीम है। अब उसमें बैठ के कीलो काल करना, हीलो हुज्जत करना, ऐसे कैसे ऐसे हो जाएगा? तुम अपने पर कयास करते हो तो नहीं होगा। अल्लाह ताला की कुदरत पर कयास ही मत करो। खुदा के हुजूर में कयास कहां है? खुदा के हुजूर में तो यकीन है। क्या है? यकीन है। यकीन असल ईमान है, यकीन जाने ईमान है,
यकीन रूह है, ईमान है, जंग का मैदान है, किश्त खून का बाजार गर्म है। एक सहाबी हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है, मैं किस तरह अब जिहाद करूं। आका करीम ने देखा सामने एक खजूर की डाली पड़ी थी, फरमाया उठा लिया, उठा लाए, लिया का ये ले, इससे जिहाद कर। अब पलट के नहीं पूछा, आका सामने तीरों तलवार है, ये लकड़ी क्या करेगी? नहीं नहीं, ऐसा निकला सीना तान कर, मैदाने वार कर, ऐसा निकला, ओ दीवाने आशिको बावले, ये खजूर की डाल है, का तुम अंधे हो, खजूर समझो, मैंने तो मुस्तफा का हाथ देखा है, जहां आका का हाथ लग जाए अल्लाह उसका नसीबा बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अताए मुस्तफा, अताए मुस्तफा, अताए मुस्तफा, अमीरुल ज़ाकिरीन, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेरा यही तो सरमाया है कि जब आप जज्बात में नारे बुलंद करते हो तो मेरी बख्शिश की सूरत पैदा होती है कि ये नारे क्यों लगा रहे हैं दीवानगी से हो करके। तब फरिश्ते अर्ज करते हैं कि एक बावला है जो बैठ कर तेरी मोहब्बत का जिक्र कर रहा। तो अल्लाह सुभान व तआला हमें अपने जिक्र की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। जिक्र कहते हैं याद करने को, किसे कहते हैं? याद करने को जिक्र कहते हैं। फरमाता वाकिमिस सलात लिज़िक्री, नमाज जो कायम करते हो ना ये मेरे जिक्र के लिए है, भैया नमाज मेरा जिक्र है। नमाज को अपना जिक्र करार दिया, वाकिम इस सलात लिज़िक्री, कायम करो नमाज मेरे जिक्र के लिए। तो नमाज अल्लाह के जिक्र की सबसे बेहतरीन सूरत है। मैं आपसे कह रहा था कि ईमान का जो जौहर है ना, जौहर देखो, असल चीज फूल नहीं होता, असल चीज, बेटा पैर हटा के बैठो, हाँ, असल चीज फूल नहीं है, असल चीज उसकी खुशबू है, उसकी खुशबू जो है वो असल है। फूल देख के आप सिर्फ खुश हो सकते हैं, आंखों को ठंडक और खुशी महसूस होती है, लेकिन जब उसकी खुशबू मशाम जान को मुअत्तर करती है तो रूह बालीदा हो जाती। क्या बात है। असल चीज खुशबू है, क्या समझे? बेशुमार गुलाब खिले रहते हैं उनमें खुशबू नहीं है। जी जी जी, ठीक है। तो ऐसे ही ईमान की जो असल है वो यकीन है। क्या है? यकीन है तो ईमान है, यकीन है तो ईमान बाकी और कायम है, और यकीन ही नहीं है तो बस प्रैक्टिस है। जैसे मैंने कहा कि वो सहाबी खजूर की शाख लेकर निकल गए, तो उनके दिमाग में नहीं था कि ये शाख है। जी जी। भाई वो दिमाग को हुजूर की गुलामी में दे चुके थे। जी जी जी। वो दिमाग की गुत्थियों में नहीं उलझते थे, यकीन के नूर में खड़े रहते थे कि देने वाला महबूब इलाही है। मैं अगर शक करूं तो देने वाले की अता पे शक हो जाएगा। मजाल है इस शाख की कि ये शमशीर बन के गर्दन न काटे। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और करामत है। तो यकीन करना उम्मती का अपने नबी पर, नबी के कौल पर, नबी के अफ़ाल पर, नबी के अमाल पर, नबी की हिदायत पर, नबी के इत्तेबा पर, नबी की पैरवी पर यकीन रखना, यही ईमान है जो हम लोगों में नहीं है। एक होता है ईमान कौली। क्या होता है? ईमान कौली। ईमान कौली, जबान से कहा मैं मोमिन हूं। एक होता है ईमान अमली।
अमल से ईमान जाहिर किया, और एक होता ईमान कल्बी, जब दिल ईमान से मुनव्वर हो जाए, जब दिल ईमान की तजल्ली से मुनव्वर हो जाए, तो फिर वो बेखुदी का आलम होता है, अल्लाह के सिवा किसी का होश होता है ना हवास होता है। हजरत राबिया अदविया बसरिया, ये बड़ी कामिला थी, हुजूर की बांदी थी, बड़ी कामिला, कनीज़े फातिमा थी, बड़ा मर्तबा था। जनाब सय्यदा राबिया बसरिया तशरीफ फरमाती अपने हुजरे में, दो साहिबान इजाजत लेके अंदर आए, बैठ गए। हजरत राबिया ने हालो अहवाल दरियाफ्त किया तो कहा कि सय्यदा भूखे बहुत हैं, भूख का गलबा है, ताकत नहीं है, तवानाई नहीं है, कहीं बैठने ज्यादा बातें करने की कुव्वत नहीं है, तो कुछ हो तो हमें अता कर दें। तो फरमाया अच्छा, तो आप अंदर तशरीफ ले गई जो आपका छोटा हुजरे के अंदर मकाम बना था, तो वहां देखा तो दो रोटियां थीं। जैसे ही आप उठी कि लेके उन दोनों को एक एक रोटी दे दें, बाहर से सदा आई, अल्लाह के नाम एक भिखारी का पेट भर दो। तो आपने वो दोनों रोटियां उठाई और जाकर उस गदागर सवाली को दे दी कि लो भाई तुम खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसने दोनों रोटियां खा ली, खुदा का शुक्र अदा किया और चला गया। ये दोनों हजरात बैठे थे तो इन्हें तो बहुत ही गरां गुजरा, हमने भी तो कहा था, हम भी तो भूखे थे, हमने भी तो सवाल किया था, लेकिन सय्यदा ने हमें नहीं दिया। बाहर के उस गदागर फकीर को जो पेशावर है उसे दे दिया, लेकिन कह नहीं सके। ये बात ख्यालात में थी। थोड़ी देर गुजरी कि एक खातून तशरीफ लाई और उनके सर पे बड़ा सा बर्तन था। हजरत राबिया ने पूछा कौन हो और क्या लाई हो? कहा मैं फला अमीर की खादिमा हूं, आपके खाने का सामान है इसमें, आज अमीर के वहां दावत है तो उन्होंने आपका खाना भेजा है। फरमाया अच्छा रखो। रखा, रोटियां कितनी हैं? कहा गिना नहीं है, गिन लो। गिना, 18 हैं मखदूमा। कहा फिर ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, ले जाओ। अब ये दोनों तो पेचोताब खा रहे थे कि वो दो थी तो फकीर को दे दिया, अब 18 आई तो कह रही हमारी नहीं है। तो उसने कहा नहीं मखदूमा, कहा बेटे जिद नहीं करते, जाओ अपने घर देखो, हमारा हिस्सा और होगा। तो वो गई फिर आई, कहा नहीं हाँ मुझसे गलती हुई, बर्तन मैंने गलत उठा लिया था। अब लहा गिनो रोटी का 20 है। कहा ये है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फरमाया लो भाई तुम लोग खाओ। तुमने कहा हम खाएंगे तो है, लेकिन पहले ये बुद्धी सुलझाओ कि हम भी तो भूखे थे, हमने मांगा आपने हमें नहीं दिया, गदागर फकीर को दे दिया। नंबर दो, जब रोटियां आई बाहर से 18 रोटियां, आपने कहा वापस ले जाओ ये हमारा नहीं, लेकिन तब भी हमारा ख्याल नहीं किया कि ये भूखे हैं, तो क्या सबब है इसका? तो मुस्कुराई, कहने लगी हुजूर ने फरमाया है अल्लाह की राह में एक दो तो 10 मिलता है, अल्लाह की राह में एक दो तो 10 मिलता है, तुम दोनों से दो रोटी से तुम्हारा पेट न भरता। तो मैंने सोचा मैं अल्लाह की राह में गदागर को दे दूं, अल्लाह 20 गुना करके मुझे वापस करेगा। तो ये यकीन था अल्लाह पर और हुजूर के बयान पर, ऐसा यकीन, ये ईमान था। इसी ईमान की तलाश है, इसी ईमान की हाजत है, इसी ईमान की जरूरत है, वरना मुंह से तो हम सब मोमिन हैं,
दरू शरीफ पढ़ो अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि सल्लम। तो ये महफिल जिक्र है, असलन तो इसमें जिक्र होना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ही का जिक्र करें, उसके अंबिया का जिक्र करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, आग में डाले गए, नमरूद बादशाह ने मंजीख से फेंका, दूर से आग में जाएं, जिब्रील रास्ते में, कुछ कर सकता हूं, कोई खिदमत मेरे लायक, आ जाओ। नहीं। जिसका मैं आशिक हूं मुझे ज्यादा जानता पहचानता है। तो ये यकीन अंबिया का है कि आग सामने दहक रही है लेकिन ईमान डगमग नहीं है। वो कहते हैं कुल या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। सुभान अल्लाह। तो यकीन अंबिया है ये, क्या है? यकीन अंबिया। यकीन अंबिया, और यही चाहिए मुसलमान मोमिनीन को कि अल्लाह ताला ऐसा यकीन दे, ऐसा ईमान दे, इतना कवी ईमान अता फरमाए कि जो हम सुने हुजूर के बारे में उस पर यकीन कर लें। हम तो बहसा बहसी करते हैं, कहां लिखा है, किस हदीस में है, बुखारी में है कि मुस्लिम में है, दुनिया की करना धरना कुछ नहीं, करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ बैठ के बक 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 सवाल, ये कहां है, वो कहां है, ये कैसे है, वो कैसे है। अरे जितना तुझे मालूम है उस पर तो अमल कर ले। हाँ? लेकिन नहीं, कब्र खोदेंगे जरूर, कहां लिखा है, किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, किस तरह लिखा, दुनिया का काफ बयान करेंगे। करना धरना खाक नहीं। अगर मुसलमान करते धरते तो आज दुनिया में यह हालत ना होती, मुसलमान करते धरते तो दुनिया में यह हालत ना होती। फरमाया जब तुम ईमान पर कामिल हो जाओगे तो हम तुम्हें इतना बुलंद करेंगे कि रूए जमीन की तमाम मखलूक तुम्हारे कदमों तक नहीं पहुंचेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ तुम मोमिन होकर दिखाओ, बाकी हमारा है। ये इरशाद फरमाया कुरान में, अल्लाह सुभान व तआला की बात है ये, उसने कहा है कि मत घबराओ, मत फिक्रमंद हो, अंतमुल आलाउन, तुम ही सर बुलंद हो, तुम्हारा ही रुतबा बुलंद है, इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। जी तो अल्लाह सुभान व तआला के जिक्र की महफिलें जहां लगती और सजती हैं वहां अल्लाह की रहमत का जहूर और नजूल होता है। कि अल्लाह का जिक्र सारे अस्कार की जान है। जितना अल्लाह का जिक्र हुजूर का उम्मती बढ़ाएगा, हुजूर के वहां उसकी मोहब्बत ज्यादा कर दी जाएगी। तो अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह के जिक्र में लगे रहना, अल्लाह के जिक्र में डूब जाना, अल्लाह के जिक्र में अपने आप को फना करना, बंदे क्या किया का फना फिल्ला हो गया हूं, मुझे मेरा होश ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं जानता ही नहीं कि मैं कौन हूं, बस तू ही तू है, तू ही तू है। तो अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की याद में, हजरत सूफिया इकराम ने क्या कहा कि देखो अफजल तरीन जिक्र तो यह है तुम दिल में हर वक्त अल्लाह का डर बनाए रखो, मोहब्बत बनाए रखो। अच्छा एक बात और सुनाऊं, जी लग रहा आपका कि नहीं लग रहा है, वाकई लग रहा है या यूं ही कह रहे हैं? अच्छा तो सुनिए, बात यह कह रहा था कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तो अल्लाह कोई डराने वाली चीज है क्या? हाँ, अल्लाह से डरो क्यों, वो डराने वाली चीज है? नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं है। अल्लाह से डरो का तो माना तो बहुत महबूब है,
अल्लाह से डरो, क्यों डरो? अल्लाह से डरो, कैसे डरो? अल्लाह से डरो, कितना डरो? अल्लाह से डरो, कब कब डरो? क्या बात है, अल्लाह से डरो, किस लिए डरो? बंदा कहता है मैं डरूं तो क्यों, डरूं तो किस लिए, डरूं तो कैसे? उस्ताद कहता पागल पूछ रहा है, अपने दिल से पूछ, देख जरा अल्लाह की तरफ, तो इसलिए डरता है अल्लाह से कहीं वो नाराज ना हो जाए। बस इतनी बात है फकत कि तुझे खौफ है कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए इसलिए डरता। क्या बात हो गई? अल्लाह ताला कोई हैबतनाक नहीं, माजल्ला, वो तो इंतहाई ऐसा हसीन जिसका हुस्न भी नहीं, ऐसा जमील जिसका जमाल ही नहीं, ऐसा करीम जिसका करम ही नहीं, वो तो ऐसा है। उसने कहा मेरे हुस्न को मूसा नहीं देख सका, बेहोश हो गया। फलम्मा तजल्ला रब्बहु अलल जबले जअलहु दक्का व खर्र मूसा साहिका, जब हमने अपनी थोड़ी तजल्ली पहाड़ पर उतारी तो मूसा बेहोश हो गया, तो उसे कौन देखे? लेकिन गुलामों पर करम की निगाह बवास्ते मुस्तफा थी, काए हबीब अब तेरे गुलाम कैसे देखेंगे अपने रब को, प्यारे कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे कि मैंने तुझे आईना बनाकर अपने सामने रख लिया है, अब जलवा तेरा है, चेहरा तेरा है, जलवा रब का है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलवा मुस्तफा, जलवा मुस्तफा, अमीरुल ज़ाकिरीन, नारे रिसालत। तो जलवा रब का है, आईने में जो देखते हैं, मन रानी फकद रा अल हक, जिसने मुझे देखा हक ये है कि उसने तजल्लिए इलाही देखी। सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों सच पूछो तो हुजूर ही, सब हुजूर ही हैं, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता, सब हुजूर हैं। हुजूर हट जाए ना कोई दीन है, ना इस्लाम है, ना ईमान है, ना यकीन है, ना कुरान है, ना हदीस, हुजूर हैं, सब है। तो असलल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। आला हजरत ने समेट दिया एक मिसरे कि असलल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। सुभान अल्लाह। दरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लू अलैहि। हमारे महफिलों में एक तरीका है, हम अहले सुन्नत अपनी महफिलों में एक तरीका रखते हैं। हमारे वहां अव्वल कुरान करीम की तिलावत होती है, कलाम इलाही से आगाज करते हैं, कलामुल्लाह से आगाज और इब्तिदा होती है, फिर उसके बाद तौसीफ मुस्तफा होती है, नात खान नातें पेश करते हैं, नातें नहीं पेश करते, दिल काट कर पेश करते हैं, आका कबूल कर लीजिए इतना कहते हैं। तो नातें पेश करते हैं, जब नातों को सुनकर लोगों की तबीयत में बशाशत और खुशी अंदर आ जाती है, तब खिताब करते हैं, तब बयान करते हैं, तब वाज करते हैं, तब तकरीर करते हैं। तो हम तीन दर्जों में हैं, अव्वल तिलावत कुरान, दो यम नाते मुस्तफा। क्या कहूं, कह दूं? एक को कुरान जिसकी तिलावत हुई, और एक ये कुरान जिसका चेहरा कुरान। सहाबी कहते हैं कि हम नमाज में थे, असर का वक्त था, हुजूर बीमार थे, हुजरे मुबारक में थे, अचानक आपको ख्याल आया कि देखूं मेरे गुलाम नमाज कैसे पढ़ते हैं मेरे बगैर, तो पर्दा हटाया, पर्दा हटाया तो सरकने की आवाज आई, पर्दा सरकने की, तो जितने पीछे थे सहाबा सबके कान में सरकने की आवाज आई, तो सबने अपना चेहरा उधर कर लिया, नमाज की हालत में चेहरे मुस्तफा को तकने लगे। अनस कहते हैं ऐसा लगता था जैसे चांदी की रेहल पर वरक रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मौलवी साहब तड़प के बोले कि ये तो गलत है, नमाज में नजर तो काबे पे होनी चाहिए, किबले पर होनी चाहिए, हुजूर को देखने का ना कुरान में कोई हुक है ना हुजूर ने कहा है, तो गलत हुआ, सहाबा ने गलत किया, माज़ अल्लाह। तो अब सहाबा से पूछा गया कि भाई ये आपने क्या किया, कहें भैया सुनो ये बहस और हुज्जत दलील तुम करते रहना, ये बहस और हुज्जत दलील तुम आपस में करते रहना, हमारा तो हाल ये है कि हमने रुखे मुस्तफा को किबला बना लिया है, वही हमारा काबा है, न वजू आता है हमको न नमाज आती है, सजदा कर लेते हैं जब सामने तू आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा से ऐसा वालेहाना रिश्ता, ऐसा ताल्लुक कि सारे ताल्लुक दीदनी थे, ऐसा रिश्ता कि रिश्ते मुंह फाड़ के देख रहे थे, ये कैसा रिश्ता है। तो कहा ये अबदियत और गुलामी का रिश्ता है, तुम्हें क्या मालूम बिलाल कौन थे, तुम क्या जानो कि अवैस कौन थे, ये तो मुस्तफा से पूछो या खुद बिलाल और अवैस से पूछो। जी आपका जी लग रहा, दरूद शरीफ पढ़ो। اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه تو گزارش یہ ہو رہی تھی کہ یہ شب برات ہے، شب نجات ہے، شب برکات ہے، شب ہدایات ہے، شب عطیات ہے، شب مناقبات ہے، شب فضائل و احسان ہے، ऐसी रात है ये। ये किसने कहा, कुरान में है नहीं, फिर साहिब कुरान में हजरत आयशा से किसने पूछा या सैयदा जो हम कुरान पढ़ते हैं वो 30 पारों में है, कहा हां, तो कहा हुजूर का वही कुरान है। क्या वही कुरान है, कुरान सिमट जाए तो 30 पारों में आ जाए, कुरान सिमट जाए तो 30 पारों में आ जाए और फैल जाए तो हयाते मुस्तफा हो जाए, हयाते मुस्तफा हो जाए, मुस्तफा की हयात का लम्हा लम्हा कुरान है। तो फरमाया वल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामं वक़ऊदं वअला जुनूबिहिम। देखो अपने बंदों की तारीफ कुरान में कैसे करता है, बेशक बेशक अल्लाह जानता है। इसी तारीफ कोई बाप अपनी औलाद की करे नहीं, कोई नबी उम्मती की करे नहीं, ये हुजूर के गुलामों तुम्हारा नसीबा है कि तुम्हारा रब अपनी पाक किताब में तुम्हारा ऐसा वालेहाना जिक्र करता। तुमसे बड़ा नसीब किसका, तुमसे बड़ा मुकद्दर किसका, तुमसे बड़ी तकदीर किसकी यावरी करे जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ऐसी आयात का जहूर और नुजूल फरमाए। क्या फरमाया वल्लदीना यस्कुरून अल्लाह क़यामं वक़ऊदं, पूरी दुनिया को वाकिफ करा दिया। ये हुजूर के जमाने की बात थी ना, आज हम बयान कर रहे हैं यहां आपकी महफिल में, आप बयान करेंगे अपनी महफिल में, यूं इस सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। बयान एक है, जगह करोड़ों है, ठीक है ना। तो हुजूर के गुलामों से कह उनके बारे में कहता वल्लज़ीना, वो लोग जो के यस्करून अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की याद में गुम और मगन रहते हैं, क़ियामं वक़ऊदं, खड़े हो तब भी और बैठे हो तब भी अल्लाह के जिक्र में लगे रहते, अपनी जबान पर अल्लाह 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 कहते रहते, वाला जुनूब हिम, करवटों के बल लेटे हो तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, करवटों के बल लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं, क़ियामं वक़ऊदं वअला जुनूबिहिम, अपनी करवटों के बल जब लेटते हैं, इस करवट उस करवट, तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। एक जगह रिवायत में देखा है
कि मैदाने महशर में अल्लाह ताला हश्र सजाएगा तो बंदों की माफी होगी, मगफरत होगी, जहन्नम से बचेंगे, जन्नत में जाएंगे। एक बंदे को फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा, तो वो चलेगा, फिर रुकेगा, फिर पलट के देखेगा, कुछ दूर खड़ा होकर देखेगा, फिर चलेगा दो कदम, फिर रुकेगा, पीछे मुड़ के देखेगा, नदाए गायब होगी, ये मुड़ मुड़ के क्या देख रहा, कहा परेशान हूं कि दुनिया में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं जन्नत में जाऊं, तो तूने मुझ जैसे नाकारा बेकीमत बेहैसियत बंदे को, जिसको दुनिया वाले सब जहन्नमी कहते थे, तो जन्नत में भेज रहा। बोला तेरी रहमत के हजार सदके। कहा तूने कभी मेरा न जिक्र किया, ना ईमान लाया, ना ईमान पे कायम रहा। बात यह है कि एक रात तू सो रहा था अपने बिस्तर पे, सो रहा था, नींद का गलबा था, नींद गालिब थी, उसी आलम में तूने करवट बदली, दाहिने से बाएं या बाहिने से बाएं से दाहिने, और तेरे मुंह से अल्लाह निकला था। बस वो एक बार अल्लाह कहना मुझे इतना भाया है कि मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। तो जो एक बार अल्लाह कहने को जाया न करे, जो एक बार अल्लाह कहने को जाया न करे, वो तुम्हारी हमारी कोशिशों को जाया करेगा, हरगिज नहीं। बस उठते बैठते अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। किसी शख्स ने कहीं सुना महफिल में इस तरह, जैसे मैं बैठा कह रहा हूं आपसे, किसी महफिल में कोई अल्लाह का बंदा कह रहा था, सुनने वाले जैसे आप सारे सामाईन हैं, उस जमाने के वो सामाईन रहे होंगे, तो उसने केक ने सुना तो कहा अच्छा, यानी मैं अल्लाह अल्लाह करता रहूं तो ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। तो ईशा की नमाज अदा करके वहीं बैठ के अल्लाह 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 करता रहता था। सुबह हो जाती तहज्जुद का वक्त, अल्लाह अल्लाह कहना जारी रखता था। शैतान को बहुत गरां गुजरता था। एक दिन उसके पास आया और कहने लगा ये जो तू अल्लाह अल्लाह कर रहा है किसके लिए? कहा अल्लाह के लिए। तो कहा अल्लाह ने कभी तुझे जवाब दिया बंदा बंदा कहा? कहा तो नहीं है। तो कहा तू वन वे ट्रैफिक चला रहा, तू ही अल्लाह अल्लाह कर रहा, अल्लाह ने कब कहा बंदा बंदा? शैतान का मशवरा जल्दी समझ में आता है। वो सोचने लगा, सोचते सोचते रोने लगा, रोते रोते सो गया मुसल्ले पर। कुछ देर गुजरी तो निदा आई बंदे बंदे आज मेरा जिक्र नहीं करेगा। तो वो फूट फूट के रोने लगा कि आज तक तेरा नाम जपता था, तूने कभी मुझे जवाब नहीं दिया, आज जब तुझसे रिश्ता तोड़ा है तो तू मुझे पूछ रहा है कि बंदे जिक्र नहीं करेगा। तो फरमाया मेरे बंदे जिसने तुझे मशवरा दिया था ना कि जिक्र ना कर क्योंकि अल्लाह तुझे याद नहीं करता, झूठा था वो, वो झूठा था। ए मेरे बंदे किसी बंदे की मजाल क्या है हम उसे याद न करें और वो हमें याद कर ले। हम तुझे याद करते हैं तब तू हमारा नाम लेता है, ये हमारा करम हमारी तौफीक हमारी यता है जो तुझे अल्लाह अल्लाह कहलवा रही। अल्लाह अल्लाह कहना, अल्लाह अल्लाह करते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना, ये सब अस्कार इलाहिया में है, अल्लाह के जिक्र में है जितना करो। इसलिए पीराने सिलसिला जो होते हैं, जो हकीकी में पीराने पीर सिलसिला होते हैं, वैसे तो मंडी है जैसे बकरीद की बकरा मंडी होती, वैसे पीरों की मंडी लगी है, हर तरफ कमंडल लिए खड़े हैं, तो वो नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नस्ल दर नस्ल अल्लाह का जिक्र करते आ रहे हैं, जिनके अजदाद बुजुर्गों ने अल्लाह के जिक्र से दुनिया रोशन कर दी थी। तुम्हें पता है
हिंदुस्तान में इस्लाम कौन लाया? बोलो। हुजूर आए थे हिंदुस्तान, मालूम है? सुना है कभी किसी से कि हुजूर हिंदुस्तान में आए थे? नहीं आए थे, नहीं आए थे ना, तो इस्लाम कैसे आया? सहाबा आए थे? नहीं आए थे, इस्लाम कैसे आया? तो कहते इस्लाम सूफिया लाए, सूफियों के हाथ से आया इस्लाम। अजमेरे मोहल्ला में वो दीवाना जो मुसल्ला डाल के बैठ गया, अल्लाह के जिक्र में डूब गया, अल्लाह अल्लाह करता रहा, उसके हाथों पर 90 लाख से ज्यादा लोग दौलत इस्लाम कबूल करके माला माल हो गए ईमान से। हुजूर गरीब नवाज जिनके हाथों 1/3 इंडियन इस्लाम कबूल करके इस्लाम की दौलत से माला माल हुआ। तो ये सूफिया इकराम थे, इनका मजाक ना उड़ाओ, इनकी कब्रों पे नहीं जाते हो मत जाओ, लेकिन जाने वालों का मजाक ना उड़ाओ, जाने वालों को जलील ना करो, क्योंकि तुम यहां जलील कर सकते हो और अल्लाह तुम्हें महशर में जलील करेगा। तो ऐसा सौदा क्यों करते हो जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा नहीं है? तुम नहीं जाते हो ना जाओ ना, अल्लाह के जो बंदे जा रहे हैं तुम्हें लगता वो शिर्क करते हैं तो उनके हक में दुआ करो कि अल्लाह ये शिर्क में मुब्तला है, इन्हें तौहीद की दौलत से माला माल कर दे, ये करो बजाय झगड़ा करने के। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो सूफिया इकराम के जरिए इस्लाम आया, ईमान आया, दौलत दीन आई, दौलत यकीन आया, नूर ईमान आया, रोशनी आई अल्लाह की जानिब से, ऐसी रोशनी ओए होए अहलुल्लाह है। कौन है ये? अहलुल्लाह है मतलब मर्दान खुदा हैं, यानी अल्लाह की बारगाह के जो लश्कर हैं जुनूदुल्लाह उनके सिपाही हैं, ये जुनूद इलाही के सिपाह हैं ये। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत निजामुद्दीन औलिया जिनका मजारे मुबारक दिल्ली में है, और सारा हिंदुस्तान जब दिल्ली जाते हैं लोग खुश अकीदा, वो वहां जरूर हाजिरी देते हैं, और दिल्ली वालों का तो सुबह शाम वहां मेला लगा रहता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में लंगर चलता था। क्या चलता था? लंगर, लंगर। बस समझ तो लंगर का मतलब, खाना खिलवाना लोगों को, पैसे नहीं लेते थे, फी सबीलिल्लाह, जिसे कहीं खाना ना मिले बाबा निजाम के वहां चले आओ, जिसे कहीं सोने का बिस्तर न मिले खानकाहे निजामिया में चले आओ, जिसे कहीं कुछ न मिले वो निजामुद्दीन के वहां आ जाए। 7 बादशाहों का जमाना आपके सामने गुजरा, लेकिन आपकी फकीरी के सामने सारे जलाल तैमूर लरज के रह गए। फकीर की चौखट का तो अलग ही जलवा था। एक दिन तुगलक ने पूछा अपने वजीर से सैफुल्लाह से कि निजामुद्दीन इतना खाना कहां से खिलवाता, मैं बादशाह वक्त हूं, मैं नहीं खिला सकता, ये कहां से, इसे कोई फंडिंग कर रहा है क्या, कोई मेरा मुखालिफ दुश्मन फिनांस कर रहा है, मुझे डर लग रहा सैफुल्लाह इस तरह अगर बंदगान खुदा खल्क इलाही वहां जाते रही तो एक दिन मेरे खिलाफ बगावत हो जाएगी, तुम पता लगाओ पैसा कहां से आता। वो सैफुल्लाह मुरीद भी था हजरत निजामुद्दीन का, अब बड़ी कशमकश में पड़ा धर्म संकट में कि न मानूं तो मारा जाऊं और मानूं तो पीर से जाऊं, करूं तो क्या करूं। खैर गया, जाके मुअद्दब होके बैठ गया। महबूब इलाही ने देखा, पूछा सैफुल्लाह कैसे हो, कहा हुजूर की नवाजिशें। फिर सरकार महबूब इलाही उठे, उठ के अपने हुजरे में चले गए, खादिम आया का हुजूर मतबख में सामान कम है खाने का तो इंतजाम करिए, का मुसल्ला उठा उसके नीचे रखा ले ले, तो मुसल्ला वहीं बिछा था, उसने उठाया तो सोना हीरा मोती
अब सैफुल्ला देख रहा हो, हो तो उसने जितनी जरूरत थी उठाया, चला गया, मुसल्ला रख दिया। अब सैफुल्ला का सीना धक 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 कर रहा है, क्या हाल, सरकार के पास कितना धन है, बादशाह कहां से लाएगा ये सब। आप तशरीफ ला लिए, फरमाया सैफुल्ला देखा, अब सैफुल्ला तो सटक गया, वो ये थोड़ी चाहता था कि वो नज़मुद्दीन हजरत नज़मुद्दीन औलिया जान जाए, देख लिया था पैसा कहां है, देखा सैफुल्ला जी हुजूर, फिर उठाया मुसल्ला, कुछ नहीं था, जमीन थी। अब सरकार में कुछ नहीं जानता। तब जलाल में फरमाया कि जाके कहो अपने बादशाह तुगलक से हमारे चक्कर में ना पड़े, हम खजाने इलाही में हाथ डालते हैं, हम खजाने इलाही में हाथ डालते हैं, वो हमारे चक्करों में न रहे कि कहां से आता है। ये थे मर्दाने खुदा, ये थे आशिकाने रब्बुल जलाल, ये थे मुस्तफा प्यारे के दीवाने हजरत निजामुद्दीन औलिया जी। ऐसे तमाम वाकयात और हिकायात किताबों में दर्ज है, आप चाहें तलाश करें पढ़ें। मैं कहता हूं तो अल्लाह की शान है ना, जिसको जो चाहे नवाज दे, तुम्हें हमें क्या तकलीफ है, तुम्हें दे तो बहुत खुश होते हो, और दूसरों को दे दे तुम्हारे पेशानी पर शिकन आती है। नहीं भाई नहीं, ये अल्लाह की अता है, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा है, ये तो कर्म का दरिया बह रहा है। हुजूर खड़े थे एक पहाड़ी के टीले पर, सामने 50,000 और 1,00,000 के आसपास बकरियां थी, हुजूर देख रहे थे। ये माले गनीमत था जो आया था जंग के मैदान से। एक शख्स आया, कहने लगा या रसूल, या मोहम्मद, मैं मुसलमान नहीं हूं, अगर मुसलमान हो जाऊं तो मुझे बकरियां दे दें कुछ थोड़ी बहुत। कहा सब ले ले। क्या फरमाया? सब ले, सब ले जा, 50,000 हो या 1,00,000 ले जा। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, सब अता कर दिया। उसने भाग कर जाकर अपने कबीले में अपनी कौम से कहा, लोगों जल्दी मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद इतना देते हैं कि नस्लें फरामोश हो जाएं कि उन्हें कभी भूख लगेगी। लंगर में तमाम खाना ताजा बनता और मिलता था लोगों को, साहिलों को। तो ये खुदा के वो बंदे जो अल्लाह के जिक्र में डूबे, अल्लाह के जिक्र में रहे, तो उनका ये मकाम है, उनका ये मर्तबा है। अब हमारे जमाने में कहोगे कोई दिखता नहीं ऐसा, हाँ बिल्कुल ऐसा है, हम खुद ऐसे हैं कि हमारे जमाने में कोई ऐसा दिख जाए तो ये हुजूर का मौजज़ा ही होगा, ये किसी बुजुर्ग की करामत होगी। भाई हम भी तो अच्छे हों, हम अपने जमाने में वो बात चाहते हैं जो हुजूर के जमाने की थी या बाद के जमाने की थी, तो पहले जमाना भी तो लाओ, वैसा वक्त भी तो लाओ, वैसा दौर भी तो लाओ। स्पेन में ईसाइयों के बड़े पादरी ने कहा, मुसलमानों से लड़ोगे? कहने लगे हाँ लड़ेंगे हम। कहा अभी नहीं, अभी नहीं, जाओ तलीतला तोलेदो सिटी, वहां के चर्च के सामने खड़े हो जाओ, किसी मुसलमान को गुजरता देखो तो कहो ओ अनपढ़ नबी के मानने वालों, इतना कहना था। वो गया जवान, खड़ा हुआ चौराहे पर, एक बुजुर्ग मुसलमान 70-75 साल का गुजर रहा था, तो उसने कहा जल्दी से कह के भागूं, जान छुड़ाऊं। उसने कहा ओ अनपढ़ नबी के मानने वाले, बस इतना कहना था, उस बूढ़े के बदन में बिजली चपक गई, बिजली तड़क गई, तलवार निकाली, गर्दन तराश दी। वहां चर्च से पादरी और लोग देख रहे थे, कहने लगे अभी वक्त नहीं आया मुसलमानों पर हमला करने का, अभी वक्त नहीं आया मुसलमानों पर हमला करने का, जब तक रूह मोहम्मद इनके अंदर है कोई हमला नहीं कर सकेगा इनके ऊपर। तो हम तो हुजूर से ही दूर हो गए, हुजूर के जिक्र से दूर हो गए,
हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ दो तो तलवारें खींच लेते हैं लोग। फतवों के कलम से बेशुमार आपको बिदती और शिर्क और कुफर और ये तू मैं सब ऐसा होता है। तो ये गुलामी है, ये शेवाए गुलामी है। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें राह रास पर रखे, ऐसे दीन पर रखे जिस पर अल्लाह की तौहीद पर मजबूती अकीदा हो। अल्लाह एक है, ला शरीक है, ना उसका कोई शरीक है, ना सहीम है, ना उस जैसा कोई था, ना है, ना होगा। वो बेमिसाल बेआयब है, ना उसकी इब्तिदा है, ना इंतहा है, हर चीज से वो पाक साफ मुनज्जा है। ऐसा अकीदा तौहीद और फिर ऐसा अकीदा रिसालत कि जिस रसूल के हम गुलाम हैं वो सारे रसूलों का इमाम है, वो नबियों का पेशवा है, पैगंबरों का दादरस है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसका लाब दहन कुएं में पड़ जाए तो खारा पानी मीठा हो जाए। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने अपने प्यासे 1400 सहाबियों के लिए अपना हाथ डाला एक थोड़े से पानी में तो पांचों तरफ से पानी निकल गया, उंगलियों से बाहर आया, 1400 सहाबा पी गए, सैराब हुए, मशक अपनी भरी, ऊंट को पिला लिया, पानी आता ही रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह, हम ऐसे रसूल के मानने वाले हैं जिसकी सीरत रोशन तरीन और जिसकी सूरत लोगों को दीवाना बनाए, आशिक बावला बनाए। ए लोगो, हजरत अवेस ने हुजूर को देखा नहीं था बज़ाहिरी आंखों से, लेकिन कैसे दीवाने थे कि सारे दीवानों में उनका शुमार सबसे ज्यादा। आप देख लो ना, अपनी बात करो, कितना दिन गुजर गया हुजूर को दुनिया से गए हुए, 1450 साल हो गए कमोबेश, और हम गुलामों का हाल क्या है। कहीं हुजूर की महफिल लग जाए जैसे अब लगी हुई है, कहीं हुजूर की मजलिस सज जाए, कहीं दीवाने हुजूर के जिक्र को करने के लिए बैठ जाएं, तो सरकार से सहाबा ने पूछा कि आका आपसे लोग मोहब्बत अब कर रहे हैं जितनी, उतना आइंदा भी करेंगे का उससे ज्यादा आने वाले करेंगे। मुझे देखा ना होगा, मेरी सोहबत में ना आए होंगे, मेरे मोजजात ना देखे होंगे, उनके सामने ये सब कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ मेरे फजाइल सुनेंगे, वो सुनेंगे, वो सुन सुन कर ऐसा आशिक होंगे कि जब सुनने से उनका ये हाल है तो देखते तो क्या हाल होता। अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलामों, हम सब की तारीफ हुई कि हम हुजूर के जिक्र में डूब जाते हैं, कितने ही मुसलमानों की आंखें छलक जाती हैं जिक्र मुस्तफा होता है तो कुल मिलाकर बात हो रही थी कि अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के जिक्र में लगे रहना, अल्लाह का जिक्र करते रहना, अल्लाह के जिक्र में दिल लगाना, अल्लाह के जिक्र के लिए वक्त लगाना, अल्लाह के जिक्र के लिए वक्त तलाश करना, ऐसी महफिलों में भाग के जाना जहां कुछ लोग अल्लाह अल्लाह करते हो। हुजूर ने फरमाया जन्नत के बागों में से कुछ खा लिया करो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत के बाग यहां कहां हैं? कहा जहां चार बंदे अल्लाह का जिक्र करने बैठे वो जन्नत का बाग। हुजूर ने तुम्हारी महफिल को जन्नत का बाग कहा है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी सआदत क्या, इससे बड़ी नेकबख्ती क्या, इससे बड़ा दर्जा क्या, इससे बड़े मरातिब क्या। तो अल्लाह के जिक्र में डूबना लगना, मेरा खानदान सूफियों का, मेरा खानदान सूफियों का, मेरे जद्द आला मौरिसे आला जो हिंदुस्तान आए ईरान सिमनान से, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर थे, जिनका मजारे मुअल्ला कछौछा शरीफ में, जहां रोजाना बिला नागा 50,000 मुसलमान हाजिर रहते हैं जी। हम उन्हीं के खानदान से रिश्ता हमारा है तो उनका तरीका ढूंढते रहते हैं, उनके तरीके पर चाहते हैं चलें। हमारे मौरिसे आला जो थे, जद्दे आला जो थे,
वो क्या करते थे, अपने साथ गुलामों को दोस्तों को बिठा लेते और कहते आओ अल्लाह अल्लाह करें, आओ क्या करें। अब क्या होता, आओ ढोटा रिपेयरिंग की बात करें, आओ पिक्कस कहां मिलेगा उसकी बात करें, आओ वो कौन है जिसने बड़ा फांदा मारा उसका जिक्र करें, कैसे मारा ये मालूम करें। अब हम तो ऐसे ही है ना, हमारी तो यही सब महफिल होती है, लेकिन उनकी महफिल होती थी आओ अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह अल्लाह करें, इतना अल्लाह अल्लाह करो कि वो बंदा बंदा कहे। कबीरा यसमन डूबिए के नैनन बरसे नीर, पीछे पीछे पग चले कहत कबीर कबीर। तो ऐसे बनो, अल्लाह का जिक्र ऐसे करो, अल्लाह हमारे दिलों में अपना जिक्र उतारे, हमें तरीका सिखाए, हमारा दिल लगाए। ठीक है, आओ थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करें। मैं कह तो रहा हूं, मेरी आदत है, मैं करके दिखाता हूं, सिर्फ कह के नहीं दिखाता, करके दिखाता हूं। मैं कैसे करता हूं वो बताता हूं आपको, जो कोई दूसरा तरीका आपके पीर ने दिया वैसा करिए, मगर करिए। तो जो मुझे तरीका मिला मैं बयान करता हूं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की हदीस है, हुजूर अली सलाम की, सही बुखारी सही मुस्लिम और दीगर सहा हमें हुजूर के हदीस नकल हुई। कलीमतान, दो कलमे हैं, खफीफतान हल्के हैं, अलल लिसान जबान पर हल्के हैं, दो कलमे जबान पर। कलिमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान, बहुत भारी और बोझ लिए हुए हैं। अलल मीजान, जब महशर में मीजान पर अमल तौला जाएगा तो ये कलिमात बहुत भारी होंगे। वो क्या है, उसी का जिक्र करते हैं हम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि अल-अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह। फजर के बाद खाली पेट अकेले बैठकर आंखें बंद करो, कोई नहीं है, सारी कायनात खत्म हो गई, सिर्फ अल्लाह है, और तुम सामने उसके बैठे हो, हैबत से कांप रहे हो, और तुम्हारी जबान पर यह जारी है, क्या सुबहान अल्लाह पढ़ो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله। ये तस्बीह है, इसमें जो अस्तग़फिर अल्लाह है वो इजाफा किया गया है, हदीस में तो सिर्फ इतना है सुबहान अल्लाह وبحمده سبحان الله العظيم, इतना अस्तग़फिरुल्लाह सूफियों ने जोड़ा। हुजूर कहते थे कसरत इस्तग़फार करो। लोग मुझसे पूछते हैं कि घरों में रोजी नहीं है, रिस्क नहीं है, बरकत नहीं है, कारोबार तबाह है, कोशिश करते नहीं होता, क्या करें। तो हुजूर से किसी ने कहा तो या रसूलल्लाह क्या करें,
रिस्क नहीं है, रोजी नहीं है, मेहनत करते हैं हासिल नहीं होता। फरमाया जितना इस्तगफार करोगे उतने ही अल्लाह तुम्हारी रोजी बढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, आसान सा तरीका अस्तगफिरुल्लाह, इतना खाली कहना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रोजाना 10,000 बार कहो। तजर्बा करो हुजूर के बयान का कि तुम्हारे घर में रोजी और रिस्क कैसे आता। तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम, ये जिक्र है। इसे सुबह में करो, फजर बाद, असर बाद करो, जब पेट खाली हो तब करो तो दी लगेगा इंशाअल्लाह। लगाओगे तो लगेगा, जी तो लगता है ना कहीं ना कहीं, ऐसा जी ही कोई नहीं जो कहीं लगे ना। किसी का जी सिनेमा में लगा, किसी का हीरोइन हीरो में लगा, किसी का रेडियो में लगा, किसी का टीवी में लगा, किसी का ड्रामे में, कहानी में, कोई खेल में, स्पोर्ट्स में, अलग अलग दिल, अलग अलग जगह, जिसको जहां लगा लगा लिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अल्लाह से लगा लिया, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अल्लाह से लगा लिया। अब जब अल्लाह से लगा लिया तो न सिर्फ उनका बेड़ा पार हुआ बल्कि जो उनके पीछे थे उनका भी बेड़ा पार हो गया। तो अल्लाह का जिक्र इसलिए करो ताकि बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह ताला दावरे महशर के हुजूर हम लोगों को, गुनहगारों खताकारों को अपने कर्म से बख्श दे, अपनी अता और तौफीक से बख्श दे, अपने महबूब के जलवे जहां आरा के सदके बख्शिश अता फरमा दे। तो ये बात है। तो ये जिक्र जो हमने बताया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये सुबह में फजर के बाद आप घर में हो या मस्जिद, बल्कि घर में रहिए, क्योंकि मस्जिद में अगर आप पढ़ेंगे तो 10 लोग जाके बाहर कहेंगे कि देखो काज निकाह शुरू के ही से शरीयत में लिखा है, ये कहेंगे तो बड़ा मसला खड़ा हो जाता है ना। ये तो आप अल्लाह का नाम कहते हैं, अकबर का शेर है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाकर के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो भैया आप तो रपट थाने में लगती है, तो बेहतर है अपने घर में करो जहां तुम्हारे घर में अल्लाह के जिक्र की बरकत आए। ठीक है, या दूसरा जिक्र है वो भी मेरे साथ करो। हम लोग अल्लाह ताला का नाम लेकर जिक्र करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, इलाहा इल्लल्लाह, नतीजा अच्छा मिलेगा। अब कल लोग जाके सड़क पर होटलों पर कहेंगे कि बैठ के सिखा रहे थे, ऐसे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहां लिखा, कौन हदीस में है, तो कहां लिखा है कि ना कहो। हम भी क्रॉस क्वेश्चन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना तो 1000 जगह लिखा, लेकिन ना कहो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। लेकिन जिनको आपके कहने से करने से तकलीफ होती है वो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के आपके बारे में ऐसी बातें कहते हैं। आपने गाली दी है
इतनी देर से बैठे आप गाली दे रहे हैं या बुराई कर रहे हैं या मजम्मत कर रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो इतनी देर तक बैठ के अल्लाह की महफिल में अल्लाह का नाम लेना कम से कम ये तो काम आएगा ना, और कुछ आए ना आए ये तो काम आएगा, फरिश्ते गवाही तो देंगे कि हाँ उस महफिल में ये भी शरीक था। तो तुम्हें सब भी गरा गुजरता है कि क्यों कहते हैं ऐसे, कहते हैं वैसे, सर गर्दन झटकते हैं, यूं करते हैं त्यों करते हैं, आप ना झटको बिला वजह के झगड़े ढूंढ ढूंढ के करना, आ बैल मुझे मार, फातिहा क्यों करते हो, अरे बाबा तेरा क्या जाता है, घर उसका, रोजी उसकी, बच्चे उसके, लकड़ी उसके, घर की गैस चूल्हा उसका, पकाती उसकी बीवी, उसे एतराज नहीं, बच्चियों को एतराज नहीं, तुम्हें भी चाहो तो मिल जाएगा, फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम परेशान हो, कहां लिखा है हलवा बनाओ और कहां लिखा है ना बनाओ, मिला वजह मिले तो कई प्लेट निकल जाओ और फतवे अलग से लगाओ। हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, क्या लोग अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। तो दोस्ताने गरामी, अल्लाह के जिक्र की महफिलों में जाना आना, कहीं भी देखो खुदा का जिक्र की महफिल लगी है घुस जाओ, वजू करो सीधे अंदर, किसी फतवे पर ध्यान मत दो, कौन क्या कह रहा, कौन क्या कह रहा है उसे कहने दो, अल्लाह क्या कह रहा है वो देखो, ये मेरी महफिल है इसमें आओ, अल्लाह की महफिल में चलो। अल्लाह ताला मुझे तुम्हें दोनों को तौफीक अता करे। आज शबे बारात है, गुनाहों से नजात की रात है, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुजूल इजलाल करेगा और पूछेगा बंदो तुम में से कोई है, किसी को कोई हाजत है मुझसे कहे मैं पूरी करूंगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। अगर गुनहगार है माफी मांगे उसकी मगफरत करूंगा, अगर रोजी नहीं है मुझसे आज की शब रोजी मांगे अता करूंगा, अगले साल कौन मरेगा कौन बचेगा तुम दुआ करो मैं तुम्हें बचा के रखूं तो बचा के रखूंगा। तो ये शब ऐसी है, इस तरह गुजारने वाली है, खेल कूद कर होटल पे बैठ के चाय पानी करके गपशप करके इस रात को बर्बाद न करो, इस रात को खराब न करो, इसमें अल्लाह के जिक्र में लगो, नफल नमाजों में लग जाओ। नफल पढ़ोगे अब तुमसे कोई कुछ भी कहे, ये सुन्नियों के साथ बड़ा प्रॉब्लम है, ये सुन के आके आलिमों को परेशान करते हैं, क्या हुआ इमाम साहब कह रहे थे कहां लिखा, तो हमसे क्या पूछ रहे हो भाई, तो इमाम साहब ऐसे ही होते, तो नहीं जाया करो इन लोग सोहबत में, मत बैठो इनके सोहबत में, नुकसान करेगी, हमेशा अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत अख्तियार करो जो तुम्हें झगड़े ना सिखाते हो, तुम्हें लड़ाइयां ना सिखाते हो, तुम अल्लाह के दीन में सच्चाई पर कायम रहो बस, अल्लाह तुमसे झूठ ना सुने, जहां अल्लाह ने मना किया वहां जाओ मत, और जहां कहां जाओ वहां जाके धूम मचा दो, यही इस्लाम है, यही ईमान है, यही दीन है। वाखर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।